आज हम माइंड रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक ड्रिंक बनाएंगे जो बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आती है। और ये ड्रिंक जितना दिखने में सुंदर है, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट का स्पेशल ड्रिंक कोल्ड कोको। कोल्ड कोको का जो प्रीमिक्स है आप घर पे भी बना सकते हैं, तो ये प्रीमिक्स को आप रेडी करके रखें और जब भी बनाना है तो ये प्रीमिक्स मिक्स करके बना लीजिए। ये प्रीमिक्स पाउडर को आप प्रोफेशनली सेल कर सकते हैं और ये इसका जो टेस्ट है ये सेम मार्केट में मिलने वाला जो प्रीमिक्स पाउडर है वैसा ही रहता है। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर मिल्क लेना है। ये जो भी मेजरमेंट है वो 1 लीटर मिल्क और ये भी फुल फैट मिल्क लिया है। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कॉर्नफ्लोर। इसमें मैंने 5 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें आरा रूट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम ही रहती है और रिज़ल्ट भी सेम ही देते हैं। और इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर 10 टीस्पून। अगर आपको टेबलस्पून का मेज़रमेंट चाहिए तो आप 3.5 यानी कि 3.5 टीस्पून टेबलस्पून जितना आप इसमें कोको पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इसमें हर्शेस का डाला है। आप रेगुलर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्रिंकिंग चॉकलेट आते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये जो कोको पाउडर डाला है ये अनस्वीटन्ड है, इसमें स्वीट मिक्स शुगर मिक्स इसमें नहीं है। और ये सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और ये सब हमें 1 कप दूध हमने अलग से 1 लीटर में से निकाला था उसमें ही डालना है। और ये दूध एकदम ठंडा है, गर्म नहीं है। और ये सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम हॉट मिल्क में इसे डालेंगे। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसे ही ना निकले तो आप इसमें ब्लेंडर चला के भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हमें एक कढ़ाई में 1 लीटर जितना मिल्क लेना है और मिल्क को अच्छे से उबालना है। थोड़ा सा उबल आ जाए तब इसमें हम डालेंगे शुगर 8 टेबलस्पून जितनी। ये 8 टेबलस्पून शुगर परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर आपको कम ज़्यादा शुगर चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। और 8 टेबलस्पून शुगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये शुगर को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिल्क को बीच बीच में चलाते रहना है। और जैसे ही मिल्क में उबाल आने लगे तब हमने जो कोको पाउडर का और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सर किया था वो हमें इसमें डाल देना है। मिल्क हमारा गर्म हो गया था, उबाल आने को आया था, तब हमें इसने डाल दिया है। अब इसे ये डालने के बाद हमें इसे हम नॉनस्टॉप चलाते रहना है। अभी इसमें जितना भी चिपका हुआ है वो पार्ट हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा मेज़रमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं रहना चाहिए। तो जितना भी इसमें है वो पूरा हम इसमें से निकाल लेंगे और इसे हम फास्ट गैस पे नॉनस्टॉप चलाएंगे। फास्ट गैस पे हमें 5 मिनट तक इसे नॉनस्टॉप चलाना है। 5 मिनट में ही ये थिकनेस पकड़ लेता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस देखिए, हमारा कोको उबल के तैयार हो गया है। ओनली 5 मिनट में हमारा कोको रेडी हो जाता है। तो इसमें कोई बनाने में टाइम नहीं लगता है और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो ये कोको आप ज़रूर से बनाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोको हमारा हो गया है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, सेम ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। कोको जब गर्म रहता है तभी हमें इसे स्ट्रेन करना है, इसे ठंडा होने नहीं देना है। तो जैसे हमारा कोको हो गया है हमने तुरंत ही स्ट्रेन किया है और इसमें जो गुठली थी वो उसे जितने भी वो लम्स है वो सब इसमें से निकल जाएंगे और हमारा स्मूथ कोको नीचे तैयार हो जाएगा। हमें इसकी सेम ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है तो हमें थोड़ा भी पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे, फिर 4 से 5 घंटे के बाद ये और ठीक हो जाएगा। तो इसे हमें थोड़ा ठंडा करने देना है, फिर रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे के लिए हम रखेंगे। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये देखें फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। सेम ऐसी कंसिस्टेंसी ही हमें लानी है। तो जब ये गर्म रहता है तो हमें थोड़ा पतला रखना है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा अपने आप ये गाढ़ा हो जाता है।
तो ये कोको सेम मार्केट में मिलने वाले जो रेडी कोको रहते हैं सेम टू सेम वैसा है। जितना आप इसे चिल्ड सर्व करेंगे वो टेस्ट में अच्छा लगेगा। अभी इसमें मैंने सर्विंग ग्लास लिया है, इसे सर्व करेंगे तो इसमें मैंने चॉकलेट सॉस लिया है, मैंने हर्शेज का लिया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं या होममेड भी आप ले सकते हैं। इसे चारों बाजू हम इसमें लगाएंगे ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग अच्छी लगे और हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे। और अगर आप चाहे तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आइस नहीं डाली है क्योंकि फ्रेंड्स आइस जब डालते हैं तो उसमें से पानी छूटता है और उसके वजह से हमारा जो कोको है वो पतला हो जाता है और फीका भी पड़ जाता है, तो मैंने इसमें आइस नहीं डालना है। अगर आप इसमें चाहे तो आप इसमें आइसक्रीम डाल सकते हैं। आप स्टार्टिंग में वन स्कूप डालिए, फिर कोको डालिए और फिर इसके ऊपर भी आप आइसक्रीम, चोको चिप्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको आइस डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन वो जो इसकी कंसिस्टेंसी है आइस वो थोड़ी इसकी पतली कर देता है तो टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। अब इसमें आप कोको के ऊपर आप कोई भी चिली चॉकलेट फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, काजू है, बादाम है, आप कोई नट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपकी फेवरेट कोई भी आइटम इसके ऊपर गार्निशिंग में डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैं आज डाल रही हूँ इसमें चॉकलेट की फ्लेक्स डाल रही हूँ और साथ में चोको रोल डाल रही हूँ। चोको रोल का जो स्टिक आता है मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। आपके हिसाब से आपके मन पसंद कोई भी चॉइस इसे गार्निश करके सर्व कीजिए। ये चीज़ इतना ये टेस्ट में इतना अच्छा लगता है कि आप कैसे भी सर्व कीजिए ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। लास्ट में इसे हम चोको स्टिक के साथ सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा कोल्ड कोको रेडी हो गया है और इसे जब भी सर्व कीजिए एकदम चिल्ड सर्व कीजिए तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे डेजर्ट में या कहीं भी आप सर्व कर सकते हैं। कोको को आप कोई भी सीजन में सर्व कीजिए, सभी सीजन में ये ऑल टाइम फेवरेट है कि जो चॉकलेट फ्लेवर है वो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोल्ड कोको बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।